नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मीडिया सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने कोडिंग नेटा 3 पे स्टार्ट की थी, और आज का हमारा टॉपिक है ऑटो लोडिंग। सो आज हम लोग ऑटो लोडिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। तो बात करते हैं ऑटो लोडिंग की। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए कि कैसे लाइब्रेरीज बनाते हैं, कैसे कस्टम लाइब्रेरीज बनाते हैं, किस तरह से मॉडल बनाते हैं, किस तरह से उनको लोड कराते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि इसमें कोडिंग राइटर में हम लोग किसी भी लाइब्रेरी को, किसी भी मॉडल को या किसी भी हेल्पर को यूज़ करने से पहले उसको लोड करते हैं, या फिर हमारा व्यू है उसको लोड करते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग लोड करते हैं। सो अब सिचुएशन ऐसी कभी कभी होती है कि अब कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा लाइब्रेरी है या फिर कोई एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट में हमेशा चाहिए रहता है। सो अब हम लोग क्या करते हैं उस केस में कि उस मॉडल को या उस लाइब्रेरी को या फिर उस हेल्पर को हम लोग ऑटो लोड पे लगा देते हैं। सो हम लोगों को उसको बार बार दिस लोड मॉडल या दिस लोड लाइब्रेरी या फिर दिस लोड हेल्पर करके उस लाइब्रेरी या हेल्पर या फिर मॉडल को बार बार मेथड्स में जा जा करके लोड नहीं कराना पड़ता, मतलब कंट्रोलर में जा जा करके लोड नहीं कराना पड़ता, सिर्फ एक जगह लिख देते हैं और फिर वो सभी जगह हम लोग उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें एक फ़ाइल होती है ऑटो लोड डॉट पी एच पी। सो अब इसमें देखोगे ये पैकेजेस हो गया पैकेजेस को लोड कराने के लिए, और यहाँ पर लाइब्रेरीज, तो डेटाबेस लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी ऑटो लोड पर लगा रखी है। सो इसी तरह से अगर आप और कई सारी लाइब्रेरीज को ऑटो लोड पर लगाना चाहते हो, जैसे कि ईमेल या फिर सेशन या फिर और सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज को आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो। इसी तरह से ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स को आप लगाना चाहते हो तो हेल्पर्स को ऑटो लोड पर आप यहाँ लगा सकते हो। सो यहाँ पर मॉडल्स को अगर आप लोड पे लगाना चाहते हो तो मॉडल्स को भी आप लोड पे लगा सकते हो। सो ये तरीका होता है फाइल्स को, सॉरी मॉडल्स को या फिर हेल्पर्स को या फिर आपके लाइब्रेरीज को ऑटो लोड पे लगाने का। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप उन्हीं लाइब्रेरीज़ को, हेल्पर्स को या फिर मॉडल्स को ऑटो लोड पे लगाएं जिनका आपके प्रोजेक्ट में आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, ठीक है। आप बेवजह सभी मॉडल्स को आप ऑटो लोड पर ना लगाएं, आप उन्हीं मॉडल्स को ऑटो लोड पर लगाएं जिनको आपको प्रोजेक्ट में बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, ठीक है। अगर आप सभी मॉडल्स का आप सभी मॉडल्स को या हेल्पर्स को या लाइब्रेरीज को ऑटो लोड पर लगाएंगे तो उसका क्या होगा कि उस सर्वर पर थोड़ा सा लोड पड़ेगा। सो फॉर बेस्ट प्रैक्टिस आप उन्हीं लाइब्रेरीज़ को या हेल्पर्स को या मॉडल्स को लोड कराइए ऑटो लोड पर जिनका आपके प्रोजेक्ट में बार बार आपको ज़रूरत पड़ रहा हो। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे आगे वाली वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।